नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे स्मार्टफोन का जूम टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है रियलमी का रियलमी 7 प्रो। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ईयर कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहाँ पे प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन का हम जूम टेस्ट करेंगे तकनीकी वर्ल्ड स्टाइल में। पहले फोटो जूम टेस्ट करेंगे, बाद में वीडियो जूम टेस्ट करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे साइड बाय साइड में कंपेयर भी करूंगा रियलमी 6 प्रो के साथ। तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी यहाँ पे किस तरह की देखने को मिल रही है एंड कितना फर्क पड़ता है क्वालिटी में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियोस लेके आता रहता हूँ एंड आगे भी बहुत सारे नए नए वीडियोस आने वाले हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे सेम सेंसर ये जो आपको रियलमी 6 प्रो एंड बाकी के काफ़ी सारे रियलमी के फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह की देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं। चलिए अभी हम मूव कर जाते हैं प्राइमरी लेंस पे, जो कि है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 एंड ये सेम सेंसर आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है एंड यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अभी स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो भी हम क्लिक कर लेते हैं एंड देखते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, 2x डिजिटल जूम कर लेते हैं। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है एंड रियलमी ने ये क्लेम किया है कि जो रियलमी 6 प्रो का टेलीफोटो लेंस है उससे आप फोटो लेंगे एंड यहाँ पे 2x जूम करके फ़ोटो लेंगे तो दोनों में आपको सेम क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो उस चीज़ को तो हम देख लेंगे आगे टेस्ट में, अभी के लिए यहाँ पर मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो 2x के बाद अभी हम कर जाते हैं मूव 5x पे। तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल रही है, टेक्स्ट वगैरह क्लियरली पढ़ने में आ रहा है, बिल्डिंग भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है। तो देखते हैं कितना अच्छा सेंसर है, कितनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। एक फ़ोटो यहाँ पे भी क्लिक कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड मैक्सिमम जूम मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी लग रही है 10x जूम करने के बाद भी, इतनी क्वालिटी बिगड़ी नहीं है, क्वालिटी में इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ मैं। एंड ये कुछ और है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक फ़ोटो लेता हूँ। तो 10x जूम कर सकते हैं बट जूमिंग करने के बाद भी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी लग रही है, तो ये चीज़ मुझे पसंद आई है। एक फ़ोटो यहाँ पे भी क्लिक कर लेता हूँ। तो चलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका एंड रियलमी 6 प्रो का दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास रियलमी 6 प्रो भी है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे आप 20x तक जूम कर सकते हैं, 7 प्रो में 10x तक ही है, 20x होता तो बेटर होता, बट यहाँ पे भी हम जूम करेंगे दोनों में 10x तक एंड उसके बाद ये भी दिखाऊँगा कि रियलमी 6 प्रो में कितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं। तो चलिए अभी इन दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं एंड बाद में हम वीडियो जूम भी देख लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है।
तो फोटो का जूम टेस्ट तो आप लोगों ने देख लिया, चलिए अभी हम एक काम करते हैं, वीडियो का जूम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का लेंस है, 1080 पिक्सल एट 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एक फुटेज ले लेता हूँ। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 7 Pro के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, जो कि है 8 मेगापिक्सल का। अभी मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ एंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी किस तरह की है, एंड मैं थोड़ा वॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन लग रहा है मुझे, फुटेज स्टेबल लग रही है। बाकी आप एक्चुअल फुटेज देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है फुटेज यहाँ पे। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 7 Pro के प्राइमरी लेंस से, जो कि है 64 मेगापिक्सल का, सोनी का IMX682 है यहाँ पे सेंसर। एंड यहाँ पे थोड़ा वॉक करता हूँ तो स्टेबिलाइजेशन का आपको पता चलेगा। यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है, तो उस मोड को भी हम टेस्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा फोकसिंग यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीन पे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फोकस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो फोकसिंग का यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 7 Pro के अल्ट्रा स्टेडी मोड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है। एंड यहाँ पे अभी मैं वॉक करता हूँ काफ़ी तेज़ी से, तो जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी स्टेबल है फुटेज। जैसे आप देख सकते हैं मैं वॉक कर रहा हूँ, हैंड हेल्ड है, बट जो स्टेबिलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, मैं फ़ोन हिलाता हूँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 7 Pro के प्राइमरी लेंस से, 2x डिजिटल जूम कर लिया है, उसके बाद ये फुटेज ले रहा हूँ। एंड अभी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो क्वालिटी के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग ही फुटेज देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूँ, तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है वही दिख रहा है मुझे। बाकी एक्चुअल फुटेज जब देखते हैं तो ज़्यादा आइडिया लगता है। स्टेबिलाइजेशन भी यहाँ पर दिख रहा है अभी भी, तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं और कितना आगे जा सकते हैं। तो 5x जूम कर लिया है मैंने Realme 7 Pro में, एंड उसके बाद ये फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जूम हुआ है, कितना नज़दीक आया है, क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। एंड हैंड हेल्ड ही है डिवाइस, बट अभी भी काफ़ी स्टेबल लग रही है फुटेज। ऐसे मैं स्टेबल रख रहा हूँ हाथ जितने हो सके, कोई एक्स्ट्रा ऐसे मतलब एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ स्टेबल रखने के लिए, बट ठीक लग रही है फुटेज अभी यहाँ पे भी। इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं दिख रहा है। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है अभी तक, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 7 Pro के प्राइमरी लेंस से। मैक्सिमम जूम कर लिया है मैंने, जो कि है 10x। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, अभी भी यूजेबल लग रही है, मतलब क्लियर दिख रहा है आपको क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो सेंसर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, उसी वजह से यहाँ पर क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है, एंड काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज भी किया हुआ है ऐसा लग रहा है। बाकी इसका डिटेल्ड कैमरा रिव्यू आने वाला है बहुत ही जल्द, 1-2 दिन में, देखते हैं किस तरह से हो पाता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ जो कितना दूर है, एंड मैं यहाँ से जूम आउट करके भी दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा।
तो ये 1x है एंड ये 5x, दिस इज 5x एंड दिस इज 10x। तो वीडियो में भी यहाँ पे आप 10x जूम कर सकते हैं एंड क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है। तो फोटोज़ के बाद वीडियो का भी जूम टेस्ट हो गया है हमारे Realme 7 Pro का। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन से और वीडियोस आप देखना चाहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। एंड हाँ दोस्तों, Realme 6 Pro के साथ इसका फुल कैमरा कंपेरिजन बहुत ही जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए या फिर किसी के भी साथ शेयर कर दीजिए जो भी देखना चाहे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।